हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। आई एम आदेश फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट लर्नोहब.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को हम कंप्लीट करके चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हमने टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिगिन कर लिया था, जिनमें हमने एंजाइम्स, जो कि सबसे पहले टूल्स हैं फॉर दिस टेक्निक, उसको स्टडी कर लिया है डिटेल में। अब हम बिगिन करने वाले हैं आज के सेशन को विद द नेक्स्ट टूल, एंड इट इज़ द क्लोनिंग वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के बारे में आप सभी को मैंने पिछले ही सेशन में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि अगर मुझे अपना एक डिजायर्ड जीन है जिसको एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाना है, तो ये सपोज एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर मेरे पास एक फॉरेन जीन है, इसको ट्रांसफर करवाना है इस होस्ट सेल के अंदर, तो मुझे एक और डीएनए मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, बिकॉज ये जो फॉरेन जीन है ये डायरेक्टली चलकर नहीं जा सकता है इस होस्ट सेल के अंदर। तो जो हमें दूसरा डीएनए चाहिए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, जो अपने साथ इस फॉरेन जीन को लिंक करके लेकर जाएगा इनसाइड द होस्ट सेल, उसी को हम वेक्टर बुलाते थे, याद है? और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इस वेक्टर की खासियत होती है कि जब भी ये होस्ट सेल के अंदर जाता है, जब भी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये ऑटोनॉमसली डिवाइड कर सकता है। ऑटोनॉमसली डिवाइड करने का मतलब होता है ये अपने आप को अपनी विल के अनुसार, यानी कि अपने विल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है। इसकी जो डिवीजन है वो उस होस्ट सेल के जीनोम या फिर डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होगी, ये अपने हिसाब से अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो जितनी बार ये डिवाइड कर सकता है ऑटोनॉमसली इनसाइड द होस्ट सेल, उतनी बार ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। और सिंस इसी डीएनए के साथ हमारा फॉरेन जीन लिंक्ड है, तो इसका मतलब जितनी बार ये वेक्टर डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा जो डिजायर्ड जीन है, फॉरेन जीन जिसको हमने इंसर्ट किया था वेक्टर के साथ, वो भी डिवाइड करेगा, तो उतनी नंबर ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनने लगती हैं, किसकी? हमारे फॉरेन जीन की, जिसे हम क्लोन्स बुलाते हैं। और इसीलिए इन वेक्टर्स को जो कि क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं फॉरेन जीन के, उनको हम बुलाते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये होस्ट सेल के अंदर ले जाकर फॉरेन जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। आगे बात समझ, चल तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, जो वेक्टर्स हैं उनका काम है सीधे सीधे टू ट्रांसफ़र द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल। अब ये फॉरेन जीन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिज़ायर्ड जीन हमारा, राइट? ठीक है, तो क्या नेचर में कोई ऐसे नेचुरली अकरिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते होंगे जो वेक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई मॉलिक्यूल होंगे जो कि अपने साथ एक फॉरेन जीन को लिंक करके एक होस्ट सेल के अंदर ले जाएं और वहाँ पर रेप्लिकेशन करें और इस फॉरेन जीन की मल्टीपल कॉपीज बना पाएं? जी हाँ, ऐसे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड डीएनए और जो बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए होते हैं, देखो प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था अपने पिछले ही सेशन में। देखो, लेट सपोज मैंने बनाया है ये एक ई कोलाई सेल, दिस इज माय ई कोलाई बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम है तो उसके पास खुद का एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा जो कि इसका जीनोम को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वाइल इसके साथ एक और आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मिलता है। देखो, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि सर्कुलर है, इसको हम नाम देते थे प्लाज्मिड, ठीक है? ओके, अब ये जो प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो ये अपने आप को ऑटोनॉमसली डिवाइड कर सकता है, रेप्लीकेट कर सकता है, मतलब इसका जो डिवीजन है या इसकी जो मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन है, रेप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, वो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो उसी के साथ प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लाज्मिड अपने आप से अपने अकॉर्डिंगली अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, तो इसका जो डिवीजन है या फिर जो रेप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑटोनॉमस है, इस बात को याद रखना है, ठीक है? ओके, नाउ अगर हम ऐसे प्लाज्मिड में जो कि ऑटोनॉमसली डिवाइड कर सकता है या रेप्लिकेट कर सकता है, इसमें अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर दें, लेट सपोज मैंने ये जीन मेरा इंसर्ट कर दिया, ठीक है? अब अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा मेरा डिजायर्ड जीन को, तो जितनी बार प्लाज्मिड डिवाइड करेगा उतनी बार मेरा ये फॉरेन जीन भी डिवाइड करेगा, है ना? फॉरेन जीन भी उसकी उतनी ही कॉपीज बनने लगेंगी, तो एज सच मेरे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज का क्रिएशन होने लगेगा हमारे होस्ट सेल बैक्टीरियम के अंदर, जो कि इकोलाई है इन दिस केस, और ऐसे में हमें हाई नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाती हैं,
ठीक है। अब देखो, सिंस मैंने बताया प्लास्मिड जो है ऑटोनॉमसली रेप्लीकेट करता है, तो आपको एक बैक्टीरियम के अंदर बहुत सारे प्लास्मिड्स मिलते हैं। मिनिमम नंबर 15 से हो सकता है, 15 से 100 तक हो, या फिर मैक्सिमम तक ये 200 से ऊपर तक भी जा सकता है अलग अलग स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कंडीशन वेरी वेल। सो ये प्लाज्मिड बेस्ड आपका वेक्टर हो गए। सेकेंडली मैंने बताया था बैक्टीरियोफाजेस का जो डीएनए है, आपको पता है ना बैक्टीरियोफाजेस वही वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं वायरल डीएनए, और ये वायरल डीएनए जब जाता है और इंटीग्रेट करता है किसके साथ, हमारे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड हो या ना हो, वो वायरल जो डीएनए है वो ज़रूर रेप्लिकेट कर जाता है। और याद रखिएगा जो बैक्टीरियोफाजेस हैं उनका कॉपी नंबर भी हाई है। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ वो जनरेट कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली रेप्लिकेशन के बाद। तो याद रखिएगा, अगर मुझे कभी भी अपने फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ बनानी है, हाई कॉपी नंबर्स बनाना है, तो याद रखिएगा मुझे ऐसे प्लाज्मिड को चूज़ करना होगा, या फिर सॉरी वेक्टर का चूज़ करना होगा जिसका कॉपी नंबर हाई हो, यानी कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन अंडरगो कर सकता है होस्ट सेल के अंदर और उतनी ज़्यादा कॉपीज़ बना सकता है अपनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी कॉपी बनेंगी उतनी ज़्यादा हमारे डिजायर्ड जीन की भी कॉपी बनेंगी। ठीक है, ओके। सो बात कर लेते हैं अब, ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई नेचुरली अकरिंग क्या हम वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम प्लाज्मिड्स का या फिर बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए है उसके कुछ रीजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू लिंक अवर डीएनए एंड सेंड इट इनटू द होस्ट सेल फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टीपल क्लोन्स और कॉपीज। फाइन, चलिए बात करते हैं एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। सो एक क्लोनिंग वेक्टर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे लिए इस प्रोसेस को आसान कर देगा, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन को इनटू द होस्ट सेल आसान करने के लिए एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर्स के पास क्या क्या फीचर होने चाहिए। सबसे पहला जो फीचर है, इट इज़ दी ORI साइट। ORI साइट याद करो, ORI साइट हमने कहीं पढ़ा है, ORI साइट रिलेटेड है फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने वहाँ पर याद करो पढ़ा था रेप्लिकेशन की प्रोसेस, और ये भी मैंने बताया था कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस बिगिन करती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसे हम बुलाते हैं दी ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, राइट, और यहीं से रेप्लिकेशन की प्रोसेस बिगिन करती है। तो भाई अगर एक वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर जाकर रेप्लिकेट करना है, अपनी कॉपीज़ बनानी है, तो उसके पास ORI साइट तो होना चाहिए ना, जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिन करेगा। तो ORI साइट इज़ दी वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि एक वेक्टर के पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक वेक्टर दिखाया जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल वेक्टर है, और इसका नाम है PBR322। इसके डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो इस सर्कुलर प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर के। देखो इसको प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है इसलिए इसके आगे पी लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे इस सर्कुलर डीएनए में आपको ये ब्लू कलर का रीजन देखने को मिल रहा है जिसके आगे ORI लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये इसकी ORI साइट है। तो ये ORI साइट क्या क्या कन्फर्म करती है, ये पहली चीज़ तो डिसाइड करती है कि यहीं से रेप्लिकेशन बिगिन करेगा। सो रेप्लिकेशन यहीं से बिगिन करता है, ठीक है, और इसी ORI साइट में एक्चुअली एबिलिटी होती है टू कंट्रोल द कॉपी नंबर। तो यही कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, राइट। कॉपी नंबर बोले तो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज ये खुद बना सकता है रेप्लिकेशन अंडरगो करके। देखो फॉरेन डीएनए को या फिर हमारा जो डिजायर्ड जीन है, हमें पहली चीज़ तो होस्ट सेल के अंदर उसको डायरेक्टली नहीं छोड़ना है, उसको एक वेक्टर से लिंक करना है, राइट, क्योंकि वेक्टर के पास होता है ORI साइट। तो जैसे जैसे वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट करेगा। दूसरी बात, उसमें कॉपी नंबर हाई होना चाहिए, मतलब अगर आपको ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है अपने जीन की, तो उतनी ज़्यादा कॉपीज़ तभी बन सकती हैं जब उसके ORI साइट में जो कॉपी नंबर का सीक्वेंस है वो ज़्यादा हो, राइट। तो जितनी ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उस ORI या ओरिजिन रीजन में, उतनी ज़्यादा आपकी कॉपीज़ बनेगी फॉरेन जीन की। So this is the very first criteria that needs to be fulfilled for an ideal cloning vector. आगे बात समझ, चलो बढ़ते हैं second criteria पे, which is the presence of a selectable marker. अब selectable marker क्या है, selectable marker भी कुछ ऐसे specific sequences हैं जो कि एक special expression देते हैं, phenotypic expression to the host cell. अब देखो ये जो selectable markers हैं ये हमें normally help करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानने में। अब आप पूछोगे ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं, तो जैसे समझो इमेजिन करते हैं ये मेरा बैक्टीरियम है, राइट, या बैक्टीरियम का प्लाज्मिड है, राइट। सो देखो यहाँ पर
जो भी आपको स्पेशल फीचर्स ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूजुअली प्रोवाइड करते हैं ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। अगर आप इस PBR322 को देखते हो तो इसमें भी आपको दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मिलते हैं। कौन कौन से वो जीन्स, आओ देखो, यहाँ पर ये पिंक कलर के जो रीजन दिखाए जा रहे हैं, दिस रीजन, ये रीजन देखो, और एक ये रीजन है। इस रीजन में आपको मिल रहा है एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का सीक्वेंस। तो यहां पर दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, और यहां पर ये वाला जो पिंक रीजन है ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो ये जो दो जीन्स हैं ये हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाइंग करने में, या आइडेंटिफाई करने में कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं या फिर जो हमारा होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी वेक्टर है उसको सराउंडिंग से हमारा होस्ट सेल डायरेक्टली अपने अंदर ले ले, ठीक है। सो इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द होस्ट सेल। अब यहाँ पर दो कंडीशन देखो, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। इस वाले बैक्टीरियल सेल को देखो, दिस इज माई होस्ट सेल, राइट, ये बैक्टीरियल सेल है। अब इस होस्ट सेल के अंदर जो हमारा प्लाज्मिड है वो एंटर नहीं किया है, देखो इट इज विदाउट एनी वेक्टर। सो व्हेन द वेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट, इसका मतलब ये वाला जो होस्ट सेल है दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये जो हमारा DNA है उसको इस बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल ने सराउंडिंग से टेकअप नहीं किया है, ठीक है। वहीं पर इस वाले को देखो, इस बैक्टीरियल सेल को जो होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसके अंदर सराउंडिंग में प्रेजेंट जो DNA है वो अंदर आ चुका है, दैट मीन्स इसने ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया है, इसने सराउंडिंग से DNA मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लिया है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ऐसे होस्ट सेल जिनके अंदर हमारा वेक्टर प्रेजेंट है उनको हम ट्रांसफॉर्मेंट बुलाएंगे, और ऐसे होस्ट सेल जिनके अंदर हमारा वेक्टर सराउंडिंग से एंट्री नहीं ले पाता है उन्हें हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। और हमें तो काम हमेशा किससे होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट से होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर ही तो वेक्टर आ रहा है, और वेक्टर के साथ ही हमने अपना क्या किया था, फॉरेन जीन को लिंक किया था। तो इसका मतलब हमें हमेशा सिलेक्शन करना होता है ट्रांसफॉर्मेंट्स का फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और उसके लिए ये जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं वो बहुत हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में समझाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ क्राइटेरिया समझ लो। तो क्राइटेरिया में वी नीड सिलेक्टेबल मार्कर्स जो कि स्पेशल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स भी देते हैं टू दी होस्ट सेल। जैसे वन सच एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत सारे एंटीबायोटिक से रिलेटेड हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड बात हो रही थी, इट कुड हैव बीन इवन टू कैनामाइसिन और क्लोरमफेनिकॉल नाम के जो एंटीबायोटिक्स हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कन्फर की जा सकती है यूजिंग दीज सेलेक्टेबल मार्कर्स। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अबाउट दी थर्ड क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दी क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या हुई, क्लोनिंग साइट वो साइट्स हैं जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, है ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस याद करें आप सभी को, तो दीज आर व्हाट, दीज आर दी रिकॉग्निशन साइट्स फॉर एंडोन्यूक्लियसेस। याद है सभी को मैंने बताया था कि अगर मुझे एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है तो मुझे अपने डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाना होता है, और उसको लिंक करने के लिए इनटू द वेक्टर हमारे पास, हमें उस वेक्टर को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाना चाहिए, यही मैंने बताया था ना। तो याद रखना है जो फॉरेन जीन है और जो हमारा यू नो क्लोनिंग वेक्टर है दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना होता है, बट उसके लिए जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट भी तो होना चाहिए ना, जिसको कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानेगा और कट लगाएगा, तो वो ज़रूरी प्रेजेंट है क्योंकि वहीं पर क्लोनिंग साइट वही क्लोनिंग करने में हेल्प करेंगी। तो याद रखना है हमेशा जो क्लोनिंग साइट है, रिकग्निशन साइट्स होती हैं फॉर दी एंडोन्यूक्लियसिस या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, दे शुड बी, यहाँ पर लिख लीजिए रिस्ट्रिक्शन वर्ड का भी इस्तेमाल, नॉट जस्ट
एंडोन्यूक्लियसिस, इट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। सो ये इनका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनका जो नंबर होना चाहिए रिकग्निशन सीक्वेंस का या फिर रिकग्निशन साइट्स का या क्लोनिंग साइट्स का, दैट शुड बी वेरी फ्यू और प्रेफरेबली वन। सो दे नीड टू बी वेरी फ्यू और प्रेफरेबली वन। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, जितने कम क्लोनिंग साइट होंगे उतने कम कट्स लगेंगे इन दी क्लोनिंग वेक्टर, राइट? अगर ज़्यादा क्लोनिंग साइट्स होंगी उतने ज़्यादा कट लगने की वजह से जो क्लोनिंग वेक्टर है ना उसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो क्लोनिंग की प्रोसेस है या फिर यू नो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए की जो प्रोसेस थी, जो हमारा फॉरेन डीएनए जुड़ना था विद द क्लोनिंग वेक्टर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन राइज होने की वजह से हमारी प्रोसेस जो है वो फेल कर सकती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, रिमेंबर एक वेक्टर को आइडियल होने के लिए उसके पास या तो बहुत कम नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, और प्रेफरेबली बात की जाए तो केवल एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए ऑफ अ वेरी कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर, और स्पेसिफिकली अगर ये जो क्लोनिंग साइट है किसी सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर प्रेजेंट है तो ये तो और अच्छी बात है, बिकॉज ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानने में। जैसे कि देखो यहाँ पर एम्पीफिलिन रेजिस्टेंस नाम का ये जो जीन था पिंक कलर का, इसके अंदर आपको इस जीन के अंदर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दिस इज PSG1 और ये है दूसरा वाला PVU1। अब इनके ये किन ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं उनके मैं नाम आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप देखो ये जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन या फिर दूसरा जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर रीजन था, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, उसके अंदर भी आपको दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रिकग्निशन साइट्स मिलती हैं, दैट इज BAM-H1 एंड SAL-1। सिमिलरली आपको इस ROP में, यानी जिसको हम रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बुलाते हैं, इस रीजन में भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है, यानी कि एक ऐसा रिकग्निशन सीक्वेंस जिसको ये PVU2 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है और कट लगाता है। सिमिलरली ये जो आउटर रीजन है जो कि किसी स्पेसिफिक यू नो सेलेक्टेबल मार्कर रीजन में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको EcoR1, CLA1 और HIND3 नाम के जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हैं उनके रिकग्निशन साइट्स मिलते हैं इन स्पेसिफिक साइट्स पर। तो ये जो स्पेसिफिक साइट्स हैं ये बेसिकली ये तो PBR322 आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, बट नेचुरली अकरिंग में हम चाहेंगे प्रेफरेबली देर शुड बी ओनली वेरी फ्यू साइट्स क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए या फिर ओनली वन होनी चाहिए। सो दीज वर ऑल अबाउट दी फीचर्स ऑफ दी आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, विच आई थिंक आप सभी को समझ आ चुके होने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट दी स्पेशल टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जो कि NCERT में मेंशन है, विच इज़ PBR322 इन डिटेल। सो इसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट दी PBR322 क्लोनिंग वेक्टर। अब देखो PBR322 से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, इसको हम बुलाते हैं दी वर्कहाउस ऑफ जीन क्लोनिंग, ठीक है? और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। तो दिस इज दी फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर टू बी डेवलप्ड, ठीक है? एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम E. coli. सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम E. coli. ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको इस नाम का पहले तो मतलब जानना चाहिए, दैट इज PBR322 का क्या मतलब है। सो PBR322 में P स्टैंड फॉर द फैक्ट दैट दिस इज अ प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, यानी कि ये E. coli के प्लाज्मिड से बनाया गया है, ठीक है? सो दिस इज अ प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। अब ये जो B और R हैं ये क्या हैं? एक्चुअली बी आर है उन साइंटिस्ट के नेम जिन्होंने इसको डेवलप किया। सो बी स्टैंड्स फॉर बोलेवर एंड आर फॉर रॉड्रिगेस। सो देखो यहाँ पर बी फॉर बोलेवर एंड आर फॉर रॉड्रिगेस। एंड 322 क्या है? 322 इज अ कोड
टू डिस्टिंग्विश दिस वेक्टर फ्रॉम अदर प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो बाकी और भी तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स होंगे ना, तो इस प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर को अदर प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर से अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए मुझे कोड देना होगा। तो दिस इज अ कोड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स। आई होप आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नेम इज ऑल्सो वेरी क्लियर, राइट। चलो अब एक चीज़ और जानो, यहाँ पर इस वेक्टर की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन कौन से रीजन्स मिलते हैं तो याद रखना है। सबसे पहले तो इसके पास एक ORI साइट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। इसके पास एक ROP होगा, विच इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड साइट। दूसरी बात, इसके पास आपको दो सेलेक्टेबल मार्कर रीजन्स मिलेंगे, दो सेलेक्टेबल मार्कर रीजन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ये जीन्स प्रेजेंट होंगे? वन इज गोइंग टू बी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड द अदर वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, सो ये दो आपके सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं। तो देखो मैंने बताया था ना, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ पर ORI साइट प्रेजेंट है, ROP भी साथ में प्रेजेंट है, सेलेक्टेबल मार्कर रीजन्स जो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोनिंग साइट्स है। बट यहाँ पर सिंस इट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। तो इनमें से कुछ क्लोनिंग साइट्स आपको मिलेंगी इन दी सेलेक्टेबल मार्कर रीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस में आपको PSG1 PV1 मिल रहा है, यहाँ पर इस वाले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर आपको मिल रहा है BAM-H1 और SIL-1 का रिस्ट्रिक्शन साइट, ROP में मिल रहा है PVU2 का, और देखिए यहाँ पर जो नॉन सेलेक्टेबल रीजन है उसमें आपको ECOR1, CLAV1 और HINT3 के साइट्स मिल रहे हैं। अब ये जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनकी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन या रिकग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये किन किन बैक्टीरियम से आइसोलेट किए गए हैं इस बात को भी याद रखिए। तो इनके लिए ना मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला जो पहला साइट है, लेट मी स्पेसिफाई ऑल ऑफ दीज। जैसे ये वाला जो मेरा सीक्वेंस है PSG1 का रिकग्निशन सीक्वेंस, अब ये जो PSG1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको डिराइव किया है फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, बिकॉज P स्टैंड फॉर, यू रिमेंबर, P जो है वो जीनस बताएगा, नेक्स्ट टू लेटर्स बताते हैं स्पीशीज नेम। तो यहां पर याद रखना है जो PST है वो एक्चुअली आया है फ्रॉम प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई। ठीक है, ये याद रखना है। सेकेंड वन इज PVU1, तो PVU में भी अगेन PVU क्या है, P स्टैंड फॉर द जीनस नेम विच इज प्रोटियस, और VU बताता है द स्पीशीज नेम विच इज वल्गैरिस। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव ECOR1। ECO का तो आपको पता ही है, ECOR1 बताता है कि ये E. coli, Escherichia coli से डराइव हुआ होगा। ठीक है, फिर वी हैव CLAV1, CLAV1 का भी नाम जान लो, जो क्ला है वो बताता है कि ये कैरियोफैनन लैटम नाम के बैक्टीरियम से डराइव हुआ है। ठीक है, सो दिस इज इट्स कंप्लीट बैक्टीरियम स्पीशीज जिससे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया था। देन वी हैव इज HINT3, सो HINT ओवर हियर यू नो वेरी वेल इट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। देन वी हैव इज BAM-H1, सो BAM-H1 में जो BAM है याद रखो इट इज फ्रॉम Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus amyloliquefaciens। देन उसके बाद वी हैव SIL-1, सो SIL बताता है ये है फ्रॉम स्ट्रेप्टो माइसिस एल्बस। तो ये बेसिकली इन सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट के या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यो वो बैक्टीरियम है जिनसे इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो द सोर्स ऑफ ऑल दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिनकी रिकग्निशन साइट प्रेजेंट है PBR322 में, वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज। हाँ, सो याद रखिएगा सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वेरी फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर विच इज़ दी
PBR 322, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे हम यहाँ पर इन वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जीन इंसर्शन के लिए और साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर रीजंस आर गोइंग टू प्ले अ रोल। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि कैसे एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्रेजेंट सिलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट मींस वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, और इसके लिए हम यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स मिलते हैं विच इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वन इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड द अदर वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, राइट। सो अगर मुझे, मैंने बताया भी था कि कोई भी यू नो ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो उसके लिए मुझे अपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा चूज करना चाहिए जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट सिलेक्टेबल मार्कर रीजन के अंदर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर रीजन ये पिंक वाला है जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये पिंक वाला जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या है, इनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है जैसे PST1 की या PVU1 की या फिर BAM-H1 की या फिर SAL-1 की। तो अगर मैं इस वेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर इस्तेमाल करने के टाइम पर मैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करता हूँ जिसकी रिकग्निशन साइट इन साइट्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर हेल्पफुल बिकॉज वो हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। हाउ वील ट्राई टू सी, राइट। सो इमेजिन करो कि मैंने अपना एक फॉरन जीन को इस क्लोनिंग वैक्टर PBR 322 के अंदर इंसर्ट करवाना है। अब इंसर्शन के लिए मैंने अपने जो DNA था, जो सोर्स ऑफ DNA था जिससे जो मेरा डिजायर जीन लेकर आने वाला है, उसको कट करवाया था विद दी एनजाइम कॉल BAM-H1। सो मैंने BAM-H1 नाम के रिस्ट्रिक्शन एनजाइम से अपना वो फॉरेन जीन जो है उसको कट करवाया है। अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मुझे क्या करना होगा ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बन सकें, तो इसी सेम BAM-H1 से मैं अपने वेक्टर को भी कट करवाऊंगा, राइट। सो BAM-H1 जो है वो जाकर कहाँ कट करेगा, ऑब्वियसली इस साइट पे, और उसका जो रिकग्निशन साइट है, अब इस BAM-H1 का रिकग्निशन साइट इस वेक्टर के अंदर, इस PBR 322 के अंदर प्रेजेंट है इन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, राइट। अब इस जीन के अंदर ये प्रेजेंट है, ओके। तो क्या होगा, ये BAM-H1 जाएगा, वो यहाँ पर कट लगाएगा इस साइट पर, कट लगाने के बाद यहाँ पर अपना फॉरेन DNA इंसर्ट कर देगा जो वो लेकर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर कट होगा, यहीं पर हमारा फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया हमने। अब क्या हुआ, फॉरेन DNA यहाँ पर इंसर्ट हुआ, मतलब कुछ नए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड हो गया। अब देखो ओरिजिनली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जो जीन था वो एक जीन प्रोडक्ट बना रहा था, एक प्रोटीन बना रहा था जो कि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। बट इमेजिन करो मैंने यहाँ पर कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, तो नए न्यूक्लियोटाइड के एडिशन की वजह से जो जीन प्रोडक्ट है क्या वो बनेगा अभी भी वही सेम, जो कि ऐसा प्रोटीन होगा जो कि एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? जी नहीं, क्योंकि बीच में कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए तो जीन प्रोडक्ट भी तो ऑल्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA की वजह से, इस फॉरेन DNA के इंसर्शन की वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसका हो गया है इनएक्टिवेशन, वो इनएक्टिव हो गया। इसीलिए इस टेक्निक को बुलाते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब अगर मैं एक फॉरेन DNA को लाता हूँ और उसको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर प्रेजेंट रिकग्निशन साइट वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसको वहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, वो एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। आगे समझ, तो नए न्यूक्लियोटाइड्स के इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेशन हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनली एग्जिस्टिंग जीन, ओके। तो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप देखो इसकी मदद से हम कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंटायर थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर दिस इज माई लेट सपोज फॉरेन DNA और ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर मैंने यही लिया है सेम PBR 322, ठीक है, और ये है
इस फॉरेन डीएनए को मैं कट करके लाया हूँ विद द हेल्प ऑफ बैम एच वन। इसी बैम एच वन से मैंने अपने वेक्टर को भी कट किया। आपको पता है ये वेक्टर कहाँ प्रेजेंट, ये जो वेक्टर है उसके अंदर ये बैम एच वन का जो रिकग्निशन साइट है वो प्रेजेंट है इन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, इसके अंदर यहाँ पर बैम एच वन की साइट थी जहाँ पर मैंने क्या किया, कट करवा के अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा दिया। तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। बट अभी भी याद करो जो दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर रीजन है विच इज़ दी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो सीक्वेंस है, तो ये जो सीक्वेंस है दिस सीक्वेंस इज स्टिल इंटैक्ट। मतलब यहाँ पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस अभी भी कन्फर की जा सकती है टू द होस्ट सेल जिनके अंदर ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर अंदर जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं कुछ कंडीशंस। इमेजिन करो अगर मैं सबसे पहले अपने जो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर मेरे को चेक करना है कि ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, देखो ये जो वेक्टर है उसके अंदर मेरा एक फॉरेन जीन भी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो डीएनए की मिक्सिंग की वजह से बनने वाला डीएनए है ना, हाइब्रिड डीएनए जैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बुलाते थे, इसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बुला सकते हैं। सो याद रखो इसको हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसको हमने रिकॉम्बिनेंट क्यों बुलाया, बिकॉज इट हैज माई फॉरेन जीन, इसके पास ये फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, इंसर्टेड है, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बुलाया। तो ओरिजिनल वेक्टर के डीएनए में फॉरेन डीएनए भी इंसर्ट है, राइट। चलो अब देखो कंडीशन देखते जाना। इमेजिन करो मैंने इसको बैक्टीरियल कॉलोनी में इन वेक्टर को छोड़ दिया, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी या फिर एक ऐसे मीडियम में इस वेक्टर को डायरेक्टली छोड़ दिया फॉर देम, फॉर द बैक्टीरियल सेल्स टू टेक इट अप, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको अपने अंदर ले सकें, राइट। अब इमेजिन करो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो बैक्टीरियल सेल ये वाला बना दिया मैंने और एक दूसरा बना दिया कुछ इस तरीके से। इमेजिन करो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ओके, वो एंटर किया होगा, या फिर वेक्टर सिंपली हम रिकॉम्बिनेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं सराउंडिंग से अगर इस बैक्टीरियम ने वेक्टर को अपने अंदर लिया है इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर, ये जो हमारा बैक्टीरियम है ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। और ये वाला जो बैक्टीरिया है इसके अंदर मान लेते हैं कि इसने सराउंडिंग से अपने इस प्लाज्मिड वेक्टर को नहीं लिया, तो ये क्या है मेरा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, बात समझ में आ गई। अब क्या होने वाला है, इमेजिन करो ये सारे टाइप के जितने भी बैक्टीरिया हैं जिनमें मिक्सचर है ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का, अगर मैं इनको ग्रो करवाता हूँ एक ऐसे मीडियम में जिसमें कोई एंटीबायोटिक ही नहीं है, एंटीबायोटिक है नहीं, तो एंटीबायोटिक है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो एक ऐसे मीडियम में जहाँ पर एंटीबायोटिक ही नहीं थी तो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो भले ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता, जीन प्रोडक्ट बनता या नहीं बनता उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो इक्वलाइज सेल्स को या फिर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको किल कर देती, बट यहाँ तो कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं, तो सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज चाहे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स की हों या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की हों वो अपने आप को कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर लेंगी, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए, बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ और पता है कि हमारे पास जो हमारा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो इंटैक्ट है, बिकॉज हमने अपना फॉरेन जीन का इंसर्शन उस रिकग्निशन साइट पे किया है जो कि कहाँ प्रेजेंट था, इन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक और प्लेटिंग करते हैं इन्हीं बैक्टीरियल कॉलोनी की, दिस टाइम ऑन अ मीडियम जिसके अंदर एम्पीसिलिन वाला जो एंटीबायोटिक है वो प्रेजेंट है। सो यहाँ पर एम्पीसिलिन कंटेनिंग जो हमारा मीडियम है वो प्रेजेंट है। अब मैं अगर इसी प्लेटिंग की यानी कि इसी बैक्टीरियल कॉलोनी की प्लेटिंग इसके ऊपर कर देता हूँ तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द कॉलोनीज जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की थी, क्योंकि उनके पास ये जो वेक्टर था वो आया ही नहीं जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, जब वो आया ही नहीं तो इस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट मिली ही नहीं, तो जितनी भी कॉलोनीज जिनके पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया था जिनके पास जो वेक्टर था वो प्रेजेंट ही नहीं था, वो सभी के सभी गायब हो जाएंगी और रिमेनिंग यहाँ पर सिर्फ आपको देखो तीन कॉलोनीज मिल रही हैं, ये तीन कॉलोनीज,
ये जो तीन कॉलोनीज हैं ये थ्राइव यानी ये अपने आप को सर्वाइव कर गई हैं, यानी कि इन बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर था? वेक्टर के अंदर। वेक्टर जिस बैक्टीरियल कॉलोनी की या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर आया होगा वो तो ट्रांसफॉर्मेंट था। तो इस तरीके से एम्पीसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करने पर हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में यहाँ पर डिस्टिंक्शन मिल जाता है। तो यानी कि ये मेरी क्या है, दीज आर ऑल माई ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज। और जितनी भी देखो सराउंडिंग से गायब हो गई हैं सिर्फ इन तीन को छोड़ के, तो यानी कि ये तीन लेट सपोज को छोड़ के बाकी जितनी भी कॉलोनीज थी उन सभी में हमारा जो प्लाज्मिड था वो एंटर ही नहीं किया था। एंटर ही नहीं किया था तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन आया ही नहीं था, राइट? ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो हमारे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों में ही सेम इंटैक्ट था। तो अब मुझे पहचानना है कि इन कॉलोनीज में से भी कौन सी कॉलोनी ऐसी है जिसमें मेरा फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है। फॉरेन डीएनए, राइट? फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है, कहाँ हुआ है? इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो चली गई इंसर्शन इनएक्टिवेशन की वजह से, तो क्या होगा, क्या कोई कॉलोनी सर्वाइव करनी चाहिए टेट्रासाइक्लिन मीडियम में? तो अब हम क्या करेंगे, इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली जो हमने प्लेटिंग की थी इसकी कॉलोनीज को हम यहाँ एक और कॉपी बना के इसकी प्लेटिंग करेंगे एक ऐसे मीडियम में जिसमें टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक होगा। अब जितनी भी कॉलोनीज यहाँ पर डिसअपियर कर जाएंगी, किल हो जाएंगी, इसका मतलब वहाँ पर उनके पास उन कॉलोनीज में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यू नो इनएक्टिवेटेड था। इनएक्टिवेटेड तभी होता जब वहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता। अगर यहाँ पर कोई भी कॉलोनी बच जाती, लेट सपोज इन तीन कॉलोनीज में से एक कॉलोनी बच गई, ये आगे वाली, राइट? ये कॉलोनी जो बच गई है इसका मतलब इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब ये एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्म किया था। नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें फॉरेन डीएनए इंसर्टेड था, और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्टेड नहीं था, तभी तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट रहा होगा। अगर वो इंटैक्ट रहा होगा तो इसका मतलब वो अपना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन बना पा रहा होगा जो कि उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करने में हेल्प कर रहा होगा। वाइल जो दो कॉलोनीज गायब हो गई, ये पीछे वाली दो कॉलोनीज यहाँ से गायब हो गई ना, इसका मतलब इन दो कॉलोनीज के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो डिसरप्टेड था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन बन नहीं रहा था। डिसरप्टेड जीन तभी हो सकता है जब वहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये जो पीछे वाली दो कॉलोनीज थी जो कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाई वही कंटेन कर रही हैं ऐसे वेक्टर्स को जो कि रिकॉम्बिनेंट है। सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। इस तरीके से इस एंटायर प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई दी ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और ट्रांसफॉर्मेंट्स उसके अंदर भी हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे पहचानते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो प्रोसेस है इसमें मल्टीपल प्लेटिंग करनी पड़ती है बच्चों, इसलिए ये थोड़ी सी कम्बरसम प्रोसेस है। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ और स्क्रीनिंग मेथड्स डेवलप किए हैं जिनमें से एक आता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप इज दी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसके एंटायर प्रिंसिपल को। अब देखो बच्चों ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि किसी क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट पर एक्ट करते हैं। क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट मतलब क्या होता है, क्रोमा वर्ड मतलब कलर एंड जेनिक मीन्स जेनरेटिंग। तो कुछ ऐसे सब्सट्रेट जिन पे ये एंजाइम्स जब इंटरैक्ट करते हैं ना तो जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कलर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो देखो ये इस पूरी चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन करता भी जाता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स सपोज वी हैव सर्टन एंजाइम्स, तो जैसे कि एंजाइम्स ले लेते हैं एंड एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहीं पर। एंजाइम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सो ये जो एंजाइम है बच्चों ये एक्ट करता है ऑन सम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट और उनको कलर्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? कन्वर्ट कर देता है किसमें, कलर्ड प्रोडक्ट्स में, एग्जैक्टली ठीक है। बट इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला कोई तो जीन होगा ना,
है कि नहीं? ऑब्वियसली जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर ऑल प्रोटीन्स ना, ये तो आप जानते ही हो, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट फॉर राइबोसाइम्स जो कि आरएनए है. बट एंजाइम्स में अगर प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वी नीड टू हैव आरएनए, और आरएनए बनता है फ्रॉम डीएनए. तो एक जीन सीक्वेंस तो होगा ना जो कि इस एंजाइम को कोड कर रहा होगा, इस प्रोटीन को कोड कर रहा होगा. तो इसका मतलब इसका भी एक जीन होगा, राइट? और वो जीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर. अब कोई क्या याद कर पा रहा है कि ये जो प्रोटीन है या फिर ये जो एंजाइम है इसको हमने कहीं तो पढ़ा है, और इससे रिलेटेड एंजाइम का या फिर इससे रिलेटेड जो जीन है उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था. इफ़ यू कुड रिमेंबर दिस नेम, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, कैन यू? ओके, इफ़ येस इट इज़ वेरी गुड. देन देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेस नाम का ये जो जीन प्रोडक्ट है ये हमने स्टडी किया था व्हेन वी वर स्टडिंग लैक ऑपेरॉन. लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड जो भी एंजाइम्स हैं उनमें से एंजाइम एक रिस्पॉन्सिबल था, बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ओके, और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है इसको प्रोड्यूस करने वाला जो जीन था वो कौन था? दैट वॉज लैक जी. तो याद आ गया आप सभी को? तो ये है मेरा लैक जी जीन जो कि अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस नाम का ये एंजाइम जो कि किसी क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट पे एक्ट करेगा और कलर प्रोडक्ट बनाएगा, राइट? और वो जो कलर होगा प्रोडक्ट का दैट इज गोइंग टू बी ब्लू इन कलर, राइट? तो वो कैसा होगा? ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट. ठीक है, अब इमेजिन करो कि मैंने इसी जीन में यही मेरा जीन जो था बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला विच इज लैक जी, इसमें ही मैंने अगर अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा दिया तो यहां पर कुछ इस तरीके से. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इंसर्टेड माय फॉरेन डीएनए इनटू इट, मैंने यहीं पर इंसर्ट कर दिया. अब क्या होगा? एग्जैक्टली लैक जी का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो गया ना, बीच में कुछ और नए न्यूक्लियोटाइड्स आ गए. तो इंसर्शन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से जो आपका लैक जी जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा. दैट मीन्स दिस विल कॉज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ दिस जीन, है कि नहीं? अब जीन ही इनएक्टिव हो गया भाई, तो आपका एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस भी बनेगा नहीं, तो यानी कि नो एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड, एंजाइम नहीं बनेगा, सो नो कलर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस. कोई कलर्ड रिएक्शन नहीं होगी, सो नो कलर्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, है कि नहीं? लॉजिक, ये तो लॉजिकली है. इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बहुत अच्छे से विजुलाइज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, एंड ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. आइए देखते हैं कैसे. चलो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं. आपके सामने ये एक वेक्टर दिखाया जा रहा है, और इस वेक्टर के अंदर ये जो येलो कलर का जीन है, दिस येलो जीन, एंटायर जीन, दिस इज़ माई लैक जी जीन जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाता है ना, तो दिस इज़ माई जीन. अब यहाँ पर ये जो इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट मेंशन की जा रही है पिंक कलर की, दिस इज़ द रिकग्निशन साइट फॉर अ स्पेसिफिक रिकग्निशन और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो दिस इज द रिकग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेट सपोज कोई भी हो सकता है, सेल्वन है फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब इस सेल्वन की यहाँ पर रिकग्निशन साइट है, और मेरे पास एक फॉरेन डीएनए है जिसका कि मुझे एक जीन सेगमेंट ट्रांसफर करना है इस वेक्टर के अंदर ताकि वो होस्ट के अंदर जा सके. तो मैंने क्या किया है, अपने फॉरेन डीएनए को और अपने वेक्टर को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया जिसकी रिकग्निशन साइट यहाँ प्रेजेंट थी इस वेक्टर के अंदर भी और इस फॉरेन डीएनए के अंदर भी. लेट सपोज हमने सेल वन से कट करवाया, तो यहाँ पर हमने ले लिया है सेल वन, मैंने हाइपोथेटिकल लिया हुआ है, ठीक है? तो सेल वन से मैंने इस फॉरेन डीएनए को भी कट करवाया और यहाँ पर वेक्टर को भी कट करवाया. एज सच क्या होगा? एग्जैक्टली दोनों की ही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, राइट? अब देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर अब इस कंडीशन को ना दो कंडीशन में स्प्लिट कर देता हूँ. ये मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया हुआ वेक्टर को, या तो मैं इसको ज्वाइन करवा दूँ विद दी फॉरेन डीएनए इंसर्ट जिसका स्टिकी एंड हमारे पास है. तो देखो, जब मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूँ यूजिंग द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज, तो आपको एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मिलता है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर ये फॉरेन
डीएनए इंसर्ट हमने कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज माय फॉरेन डीएनए इंसर्ट व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस वेक्टर। सो ऐसा जो हमारा वेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्यों रिकॉम्बिनेंट है भाई? क्योंकि इसके पास अपने डीएनए के साथ साथ फॉरेन डीएनए इंसर्ट भी है। दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अपने इस वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाने के बाद उसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करवाता हूं, ठीक है। मैंने कट तो करवाया बट फॉरेन डीएनए इंसर्ट ही नहीं करवाया। तो ऐसे में मैंने अपने वापस से जो ओपन वेक्टर था ना, ये जो ओपन वेक्टर था, इसको वापस से रीसर्कुलराइज करा दिया, मतलब उसको बंद करवा दिया। तो यानी कि यहां पर ये ओरिजिनल वेक्टर की तरह ही दिख रहा है, देखो, राइट। तो इसका मतलब यहां पर देयर इज नो फॉरेन डीएनए इंसर्ट, फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास अब दो कंडीशंस है, एक जिसके पास फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, एक जिसके पास रिकॉम्बिनेंट कंडीशन है यानी कि फॉरेन डीएनए इंसर्ट प्रेजेंट है। अब इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, विजुलाइज करेंगे, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने क्या किया है, विदाउट इंसर्ट है, यहां पर इंसर्ट भी प्रेजेंट है। अब हम अपने ई कोलाई सेल, जो हमारे होस्ट सेल्स हो सकते हैं इस कंडीशन में, उनको ट्रांसफॉर्म करने देते हैं विद दीज बोथ टाइप ऑफ वेक्टर्स। एक जिसके पास फॉरेन डीएनए है, राइट, सॉरी फॉरेन डीएनए यहां पर है, फॉरेन डीएनए जिसके पास है, और एक जिसके पास फॉरेन डीएनए नहीं है, राइट। तो ऐसे में यहां पर क्या हुआ है, यहां पर लैग जी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ होगा। और ऐसे वाले इस वाली कंडीशन में, क्योंकि कोई फॉरेन जीन यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया है, यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जी जीन नहीं आकर करेगा। तो जितने भी बैक्टीरियल सेल इस वाले वेक्टर को अपने अंदर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान, वो सभी के सभी क्या करेंगे, अपना एंजाइम प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर वो प्रोड्यूस कर पाएंगे तो क्या होगा, वो क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट पे एक्ट करके कलर प्रोडक्ट यानी कि ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्टिव था, वो यहाँ पर ब्लू कॉलोनीज के फॉर्म में नजर आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, राइट। इवन यहाँ पर वाली कंडीशन में क्या होगा, ऐसे जितने भी ई कोलाई सेल्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अपने अंदर इंसर्ट करवा लेते हैं, उनके अंदर क्या हुआ है, ड्यू टू एडिशन ऑफ द फॉरेन डीएनए, ये जो पर्टिकुलर आपका एंजाइम था बीटा गैल वाला या फिर जो लैग्जी एंजाइम है, वो इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब वो क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट पे एक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो तो कोई एंजाइम बना नहीं पा रहा। तो ऑल दोज कॉलोनीज जिनके पास आपको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म्ड मिला, वो सभी के सभी वाइट कलर की अपीयर करेंगी, बिकॉज उनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है। तो अगर आपको देखना है और जूम करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें से कुछ कॉलोनीज आपको ऐसी ब्लू अपीयर कर रही हैं जिनके पास ट्रांसफॉर्मेंट है विद बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव एंजाइम, और कुछ ऐसी वाइट कॉलोनीज भी हैं जिनके पास ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब जो वाइट कॉलोनीज हैं वो एक्चुअली में प्रोसेस कर रही हैं हमारे जीन को, फॉरेन जीन को। तो उन कॉलोनीज को हमें सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो इन वाइट कॉलोनीज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब इन्हीं के अंदर हमें अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट मिलेगा। सो आई होप नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन ऐसे वैक्टर्स जिनका इस्तेमाल करके हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे सच वैक्टर की जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। अब ये जो TI प्लाज्मिड है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल्स। तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स, तो याद रखना है इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली, इस प्लाज्मिड को हम बुलाते हैं द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बुलाते हैं। अब आपको दिख ही रहा है ये एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के बारे में अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि बैक्टीरियम के अंदर पाए जाते हैं। ऑब्वियसली अगर ये एक प्लाज्मिड है तो ये भी किसी बैक्टीरियम से डिराइव होता होगा, और उस बैक्टीरियम का नाम होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। सो रिमेंबर, वो जो बैक्टीरियम जिससे इस टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है उसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस।
अब ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियम है बच्चों, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। ये कॉज करता है एक डिजीज जिसे हम बुलाते हैं क्राउन गॉल डिजीज इन द डाइकॉट प्लांट्स। सो ये बैक्टीरियम कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकॉट्स। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए टीआई प्लाज्मिड से रिलेटेड। अब टीआई प्लाज्मिड का नाम टीआई प्लाज्मिड क्यों है? बिकॉज टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसिंग। तो ये प्लाज्मिड जब किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है ना, तो जिस सेल को ये इन्फेक्ट करेगा ये उसको ट्यूमर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोपेल करता है, उसको ज़्यादा फोर्स करता है। तो ये ट्यूमर इंड्यूस करवा देता है प्लांट सेल्स के अंदर, इसीलिए वी कॉल इट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। आपके सामने यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये एक टीआई प्लाज्मिड का ही है, राइट? सर्कुलर डीएनए, राइट? अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मिलता है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर वो जो मिलने वाला सीक्वेंस है उसको हम नाम देते हैं टीडीएनए। अब ये जो टीडीएनए है यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रॉम दिस लेफ्ट बॉर्डर अंटिल दिस राइट बॉर्डर। ये जो सीक्वेंस मिल रहा है जिनमें कुछ जीन्स ऑक्सिन साइटोकाइन एंड ओपाइंस को सिंथेसाइज करते हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर इस टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल अगर ये टीआई प्लाज्मिड अगर नहीं भी होता है, तो जब भी इन्फेक्शन कॉज करता है ये प्लाज्मिड, तो ये क्या करता है इस टीडीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है। इसका नाम ही टीडीएनए इसलिए पड़ा बिकॉज ये ट्रांसफ़र करता है इस डीएनए को, तो इट इज़ अ ट्रांसफर डीएनए। अब ये ट्रांसफर डीएनए जब जाएगा किसी प्लांट सेल के अंदर, तो लेट सपोज इसने इन्फेक्ट किया किसी प्लांट सेल को, सो इट इन्फेक्ट्स अ प्लांट सेल, तो ये क्या करेगा? ये पहली चीज तो उस सेल को इंड्यूस करेगा टू फॉर्म ट्यूमर, तो इट इंड्यूसेस ट्यूमर फॉर्मेशन। सेकेंडली ये उस ट्यूमर सेल्स को इंड्यूस करता है या फोर्स करता है टू सिंथेसाइज सर्टेन केमिकल्स जो कि इसी पैथोजन यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सो इट ऑल्सो फोर्सेस सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, और पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ही है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड की नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल किया है इन द जीन ट्रांसफर। तो प्लांट्स के केस में जब ये नेचुरली ही बिना किसी मैनिपुलेशन के इस टीडीएनए को ट्रांसफर कर सकता है एक प्लांट सेल के अंदर, तो क्यों ना हम भी अपना जो फॉरेन डीएनए जो हम डिजायर्ड जीन चाहते हैं टू बी इंसर्टेड इन द प्लांट उसको हम यहीं पर इंसर्ट कर दें, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे इस टीडीएनए के अंदर जो भी ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जीन है उसको रिमूव कर देंगे पहले। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जीन हमने रिमूव कर दिया जो कि ट्यूमर कॉज करता था, रादर उसकी जगह पर हम इंसर्ट कर देते हैं अपने स्पेसिफिक जो डिजायर्ड जीन है उसको। और उससे क्या होगा, जब डिजायर्ड जीन कंटेनिंग के टीआई प्लाज्मिड एंटर करेगा प्लांट सेल के अंदर और वो रेप्लिकेट करेगा, तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्यूमर वो हमारा जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा जो हम चाहते थे, जिसके लिए हमने अपने डिजायर्ड जीन को यहाँ पर एंट्री करवाई थी, राइट? तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर फॉर प्लांट्स। सेकेंडली यहाँ पर हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर जिसको कि हम एनिमल्स के केस में इस्तेमाल करते हैं, विच आर द डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस। नॉर्मली आपको पता है रेट्रोवायरसेस क्या है, आपको पता ही है रेट्रोवायरसेस का हमने एग्जाम्पल लिया था एचआईवी के फॉर्म में, जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है, राइट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉज करते हैं। तो रेट्रोवायरसेस के पास एक एबिलिटी है, व्हाट डज दैट एबिलिटी टेल्स अस? देखो नॉर्मली जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल्स को, सो दे इन्फेक्ट एनिमल सेल्स, और ये जिन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं ना उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू कैंसरस सेल्स, सो दे कैन इवन ट्रांसफॉर्म दीज सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। अब कैंसरस सेल्स में अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत तो है ही,
एक एनिमल सेल के लिए राइट, वहाँ पर भी कैंसर कॉजिंग कंडीशन आ जाती हैं, कैंसर की वजह से देर आर सर्टन अदर थिंग्स विच आर अफेक्टेड। बट अगर हम इन रेट्रोवायरस, और ये नेचुरली होता है, ये रेट्रोवायरस जो हैं वो नेचुरली ही इन्फेक्ट करते हैं, नेचुरली ही अपना कैंसर कॉजिंग जो जीन है वो इंसर्ट कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में। बट अगर मैं काम करूँ, मैं इस रेट्रोवायरसेस के डिजीज़ कॉजिंग या कैंसर कॉजिंग जीन को ही चॉप ऑफ कर दूँ, कट करके रिमूव कर दूँ, डिसआर्म कर दूँ, तो उससे क्या होगा, उसको रिमूव करने के बाद उसकी जगह पर मैं अपने डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर दूँ और उसके साथ में इस रेट्रोवायरसेस को इन्फेक्ट करने दूँ एनिमल सेल को। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दो सेल्स इंटू कैंसरस सेल्स, अब ये जो रेट्रोवायरस से निकलने वाला डीएनए है वो रैदर हमारे जीन, डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन रेट्रोवायरसेस को डिसआर्म करेंगे। डिसआर्म का मतलब क्या होता है, वी विल चॉप ऑफ द कैंसर कॉजिंग जीन और रैदर इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारे डिजायर्ड जीन को। तो यहाँ पर डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड, जो बनाएगा हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रेट्रोवायरसेस को भी डिसआर्म करके उनका जो डिजीज कॉजिंग पोर्शन है डीएनए का, उसको हम रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेरी गुड वेक्टर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर यू नो एनिमल सेल्स। सो अब आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर्स फॉर यू नो जीन क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। सो बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले दो टूल्स को हमने स्टडी कर लिया है, वन वाज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड द अदर वन क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट। अब हम देखते हैं इन दोनों की मदद से कैसे हम एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना सकते हैं। ऑल्दो मैंने इसको पिछले सेशन में बता दिया था, बट स्टिल मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहे। तो यहां पर वी विल बी टेकिंग अप द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। देखो, आपको यहां पर एक डिजायर्ड जीन दिखाया जा रहा है, लेट्स सपोज ये डिजायर्ड जीन है आपके पास। अब इस डिजायर्ड जीन को सराउंड करते हुए डेफिनेटली आपके पास क्या होंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। एग्जांपल के तौर पर यहां पर इको आर्बन ले रखा है, तो इको आर्बन का यहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC दिख रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऑफ द डिजायर्ड जीन, राइट। ओके, अब इसको अगर मैं इको आर्बन से कट करवाता हूं तो आपको पता है कि यहां पर कुछ आपको स्टिकी एंड्स मिलेंगे जो अनपेयर्ड कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, राइट, और बीच में यहां पर आपका डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, राइट। अब आप क्या करोगे, जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने अपने डिजायर्ड जीन को कट करवाया है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से आप अपने वेक्टर को भी कट करवाओगे। इमेजिन कर लो ये वेक्टर आपका PBR322 है, जिसमें अगेन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है इको आर1 की। तो आपने कट अगर इसको करवाया तो उसके पास भी आपको ऐसी ही ओपनिंग्स मिलेंगी, राइट। तो यहां पर भी कुछ अनपेड सीक्वेंसेस हैं। अब नोट करो, जो सीक्वेंसेस यहां पर ओवरहैंग कर रहे हैं इधर पर और इधर पर, इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपको यहां पर ओवरहैंग करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या हम इनको लाइगेट नहीं करवा सकते, इनको जुड़वा नहीं सकते हैं, और जुड़वाने के लिए वी नीड DNA ligase। तो इसका मतलब यहां पर इनको हम जुड़वा देंगे, और जुड़वाने के बाद देखो इस तरीके से ये कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो बन जाता है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया है, अपना फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया है इन दी वेक्टर DNA। तो जब दो DNA आपस में रिकंबाइन करते हैं तो इसी को हम बुलाते हैं क्या, वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट DNA, और सिंस यहां वेक्टर इंक्लूडेड है तो वी विल कॉल इट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो पहले दो टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है और उनका क्या फाइनल आउटकम होगा, अब तक आपको समझ आ चुका होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड टूल फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एंड इट इज द कंपीटेंट होस्ट। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमें अपने फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाना था, राइट। अब ये जो होस्ट सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल भी। प्रोकैरियोट्स में तो आपको पता है सारे बैक्टीरियल सेल आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने इकोलाई हर्बा लिया है, और यूकैरियोटिक में हम इवन ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ईस्ट को भी हम बैक्टीरिया की तरह कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, एक होस्ट को कंपीटेंट होना क्यों जरूरी है। कंपीटेंट का मतलब होता है इट शुड बी केपेबल इनफ। किस चीज़ के लिए केपेबल होना चाहिए, इट मस्ट बी केपेबल इनफ टू टेक अप द DNA फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में अगर DNA प्रेजेंट है तो होस्ट सेल उस सराउंडिंग से उस DNA को अपने अंदर लेने के लिए केपेबल होना चाहिए,
राइट. सो अ होस्ट सेल मस्ट बी कंप्यूटेड इनफ. सेकेंडली एक बात याद रखो, डीएनए जो होता है अगर उसको अंदर आना है इनटू अ होस्ट सेल तो उसको उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा. बट डीएनए जो होता है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, इट इज वाटर लविंग. बट प्रॉब्लम इज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो लिपिड बायलेयर की है ना, वो तो हाइड्रोफोबिक हुई, वो वाटर रिपेलिंग है. तो आखिरकार ये डीएनए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस होस्ट सेल के अंदर कैसे जाए, इसके लिए हमें इंश्योर करना होता है स्पेशल ट्रीटमेंट. और वो स्पेशल ट्रीटमेंट के होते हैं दो पार्ट्स. सबसे पहले आपको मिलेगा कि आपको अपने होस्ट सेल को पहले तो केमिकली कम्पीटेंट बनाना पड़ता है ताकि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो पोर्स हैं वो थोड़े से एनलार्ज हो सके फॉर द एंट्री ऑफ द डीएनए. उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने होस्ट सेल को ट्रीट करते हैं विद सॉल्ट जिनके पास डाइवेलेंट कैटायन प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम आयन, राइट. तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास कैल्शियम प्रेजेंट है, इट कुड बी कैल्शियम क्लोराइड. सो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट आयन कंटेनिंग सॉल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड से हम ट्रीट करवाएंगे अपने होस्ट सेल को जिससे वो केमिकली कम्पीटेंट हो जाएंगे. नाउ वील बी फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट. क्या होता है हीट शॉक ट्रीटमेंट? देखो, हमने अपने सेल को केमिकली कम्पीटेंट तो बना दिया बाई ट्रीटिंग इट विद कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट. अब देखो, हम इस सेल को बहुत लो टेम्परेचर्स पे, यानी कि बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले तो इनक्यूबेट करेंगे, ठीक है. अब इनक्यूबेशन के टाइम के बाद ऑल ऑफ अ सडन फॉर 30 सेकेंड्स, बिल्कुल, और उस मीडियम में जिसमें इसको हमने इनक्यूबेट किया है, अपने सराउंडिंग में हमने अपने जो डीएनए टू बी ट्रांसफॉर्म्ड है उनको भी छोड़ रखा है. अब ऑल ऑफ अ सडन इस 0 डिग्री सेल्सियस से मैं टेम्परेचर को रेज करूंगा टू 42 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हम टेम्परेचर को सडनली बहुत हाई ले जाते हैं 42 डिग्री तक, और उसके बाद सडनली उसको ड्रॉप करके जीरो पे ले आएंगे. इससे क्या होगा, जो आपका बैक्टीरियल सेल है ना वो सराउंडिंग में प्रेजेंट प्लाज्मिड्स या फिर डीएनए को अपने अंदर ले लेंगे, राइट. तो इसको कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट. और जब रिकवरी होती है, वापस से 0 डिग्री सेल्सियस आता है, तो सराउंडिंग में प्रेजेंट जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल या फिर होस्ट सेल के अंदर पहुंच चुका होता है. तो इस तरीके से हम यहां पर कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं होस्ट सेल की बाय ट्रीटिंग इट विद फर्स्टली केमिकल्स एंड सेकेंडली द हीट शॉक ट्रीटमेंट. सो आई होप नाउ द बेसिक थिंग अबाउट कॉम्पिटेंट होस्ट आपको समझ में आ गया होगा. तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड जिनकी मदद से हम जीन को डायरेक्टली एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी वेक्टर की मदद से. यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, जो कि यूजुअली एप्लीकेबल माना जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. सो इट इज अप्लाइड इन केस ऑफ एनिमल्स. सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एनिमल सेल्स, ठीक है. यहाँ पर होना क्या वाला है, सबसे पहले तो किसी एनिमल सेल जैसे ओवम या फिर एम्ब्रायोनिक सेल को मुझे पोजीशन में होल्ड करके रखना पड़ेगा. उसके लिए एक सक्शन ट्यूब की हम मदद लेते हैं. तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना, ये जो ट्यूब है ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है. सो दिस इज कॉल्ड द सक्शन ट्यूब. ये सक्शन ट्यूब क्या करेगा, इस सेल को जो हमारा होस्ट सेल है उसको पोजीशन में होल्ड करके रखेगा. अब हम क्या करेंगे, एक टाइनी सी नीडल की मदद से, जिसे हम माइक्रो नीडल या फिर माइक्रो पिपेट बुलाते हैं. तो ये जो टाइनी सी नीडल दिख रही है इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर द जीन डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली अपने जीन को हम ट्रांसफर करेंगे यूजिंग दिस माइक्रो नीडल या माइक्रो पिपेट भी बोल सकते हो, ठीक है. इसकी मदद से डायरेक्टली हमारा जो जीन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, फाइन. सो ये अप्लाइड होता है हमारे एनिमल्स के केस में. गॉट दिस वन, ओके. बात करते हैं सेकेंड मेथड की, विच इज़ द जीन गन और बायोलिस्टिक्स. नाम बता रहा है, कुछ गन जैसा ही काम होने वाला है, कुछ यहाँ पर हम बम्बार्ड करने वाले हैं. सो यहाँ पर पहली चीज़ तो इसको अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, राइट. अब वॉट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर हम कुछ पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे गोल्ड और टंगस्टन के, और उसके ऊपर अपने डीएनए के पीसेस को जिनको हमें ट्रांसफर करना है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको कोट कर देते हैं. तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो डीएनए है इज कोटेड ओवर गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स,
और इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, अराउंड 1 to 2 microns, इतने ही छोटे होते हैं। इनके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को जिसको मुझे ट्रांसफर करना है उसको कोट कर देते हैं, और उसके बाद इन डीएनए को बम्बार्ड करते हैं, सॉरी इन पार्टिकल्स को, गोल्डन टंगस्टन को जिसके ऊपर डीएनए की कोटिंग है ना, उसको हम बम्बार्ड करते हैं ओवर दी होस्ट सेल। सो दे आर बम्बार्डेड एट अ वेरी हाई स्पीड ओवर द होस्ट सेल, बट द पॉइंट इज इस केस में जो सक्सेस रेट है दैट इज़ वेरी लो, बिकॉज देर आर चांसेज कि जो आपने पार्टिकल को एंट्री दी है सेल के अंदर वो उसके न्यूक्लियस तक ना पहुँचे। माइक्रो इंजेक्शन के केस में तो सक्सेस रेट 100% है, द रीज़न बींग हम डायरेक्टली जाकर यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ही छोड़ के आ रहे हैं अपने जीन को, बट यहाँ पर सक्सेस रेट वुड बी इज गोइंग टू बी लो। ठीक है, तो दीज वर ऑल अबाउट दी वेक्टरलेस मेथड। इवन हम प्लांट्स के केस में डिसार्म्ड पैथोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो डिसार्म्ड पैथोजन के थ्रू भी जीन का ट्रांसफर हो सकता है प्लांट्स के केस में। सो आई होप दीज वर ऑल थिंग्स जो कि मैंने बताई आपको वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के इन होस्ट सेल, वो आपको समझ आई होंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आई होप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो में मैंने कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।